ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है। शराब घोटाले केस में ये जमानत आज उनको मिली है। ईडी ने शराब घोटाले केस में उनको गिरफ्तार किया था और लगातार वो कस्टडी में थे, जिसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको रिहा किया है। साथ ही आपको बता दें कि 1,00,000 रुपए मुचलके पर उनको ये जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और 3 जुलाई तक उनकी जो रिमांड थी उसको बढ़ाया गया था। लेकिन आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि शराब घोटाले केस में उनको जमानत मिल गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का दिल्ली से सामने आ रहा है। ईडी ने शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से ये जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 1,00,000 रुपए मुचलके पर आज ये जमानत दी गई है। लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और इस बीच ये राहत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए इस बीच सामने आ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है। ये बड़ा अपडेट दिल्ली से इस वक्त से सामने आ रहा है। 3 जुलाई तक वो कस्टडी में थे, लेकिन इस बीच बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले केस में ये जमानत आज उनको मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में उनको काफी महीनों पहले गिरफ्तार किया था। अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को राहत कब मिलेगी, और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको ये जमानत दे दी है। 1,00,000 रुपए मुचलके पर आज उनको ये जमानत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है।